इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बीजेपी को फिर से प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब मोदी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजस्थान से मोदी कैबिनेट में किसको मौका मिलेगा, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। उसके बाद राजस्थान को 5 राज्य मंत्रियों की सौगात मिली थी। इस बार भी परिणाम वैसा ही है, लिहाजा उम्मीदें भी वैसी ही हैं। मंत्री बनने वालों की फेहरिस्त भी लंबी है, लेकिन समीकरणों के आधार पर देखा जाए तो उसमें चुनिंदा 8-9 नाम सामने आ रहे हैं। ये वो नाम हैं जो अक्सर चर्चा में तो रहते ही हैं। इनमें से कुछ की कामकाज की शैली से संगठन से लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी भाती है। वहाँ कुछ नाम ऐसे हैं जो समय के साथ बदलते राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से मंत्री पद की दौड़ में शामिल माने जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओम प्रकाश माथुर की। प्रदेश से राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माथुर मारवाड़ में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। उन्हें लंबे समय तक मोदी के साथ काम करने का अनुभव है। उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के प्रभारी रहे माथुर दूसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। राज्यसभा की कई समितियों और किसान संघ से जुड़े माथुर का राजनीतिक अनुभव करीब 4 दशक का है। वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन के अलावा प्रारंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी रहे हैं। मंत्री बनने की लिस्ट में दूसरा नाम अर्जुन राम मेघवाल का है। बीकानेर से सांसद अर्जुन राम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दलित चेहरा है। अर्जुन राम ने इस बार बीकानेर से जीत की हैट्रिक लगाई है। पिछली सरकार में मोदी कैबिनेट के सदस्य रहे मेघवाल रिटायर्ड IAS हैं। उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव है। मंत्री बनने की लिस्ट में तीसरा नाम कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का है। जयपुर ग्रामीण से सांसद, ओलंपिक पदक विजेता, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज राठौड़ भी मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कमान संभाल चुके हैं। सेना और खेलों से जुड़े राठौड़ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की भी पसंद माने जाते हैं। राठौड़ युवा चेहरा होने के साथ ही यूथ आइकन भी हैं। मंत्री बनने की लिस्ट में चौथा नाम है हनुमान बेनीवाल का। नागौर से सांसद चुने गए तेज तर्रार जाट नेता बेनीवाल इस क्षेत्र में बीजेपी के तारणहार रहे हैं। बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था। बेनीवाल समेत पार्टी के 3 विधायक जीते थे। बेनीवाल के क्षेत्र में पकड़ और लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने यहां की सीट को सुरक्षित रखने के लिए उनकी पार्टी से गठबंधन किया था। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री CR चौधरी का टिकट काटकर उनके स्थान पर बेनीवाल को NDA प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। मारवाड़ समेत प्रदेश में वर्तमान में जाट समाज का बड़ा चेहरा है। हरियाणा में आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार में मंत्री बनने की लिस्ट में 5वां नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत का। जोधपुर सांसद शेखावत मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं। प्रदेश में संघ की पहली पसंद माने जाने वाले शेखावत मोदी और शाह की गुड बुक में हैं। शेखावत लगातार दूसरी बार जीते हैं। शेखावत ने सूबे के CM अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को उनके ही घर में करारी शिकस्त दी है। शेखावत और माथुर दोनों ही मारवाड़ से आते हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि पार्टी शेखावत को प्रदेश का नया चेहरा भी बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो मंत्री पद की दौड़ से हट सकते हैं। मंत्री बनने की लिस्ट में 6ठा नाम है दिया कुमारी का। राजसमंद सांसद दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राज्य घराने से हैं। पहली बार रिकॉर्ड मतों से सांसद बनी दिया कुमारी पूर्व में सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। पार्टी की 3 महिला सांसदों में सबसे मजबूत चेहरा है। मंत्री बनने की लिस्ट में 7वां नाम ओम बिरला का है। कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला पूरे प्रदेश में बीजेपी का बड़ा वैश्य चेहरा है। बिरला 3 बार कोटा दक्षिण से विधायक और 1 बार संसदीय सचिव रह चुके हैं।
साफ सुथरी छवि वाले बिरला को पूर्व में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। बिरला मोदी और शाह की गुड बुक में जगह बनाए हुए हैं। मंत्री बनने की लिस्ट में आठवां नाम है भूपेंद्र यादव का। राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव विधानसभा चुनाव में राजस्थान में अहम भूमिका निभाने वाले यादव संगठन में सक्रिय हैं। इस बार गुजरात में चुनाव में मुख्य भूमिका में थे। जेटली की टीम के सदस्य हैं। मंत्री बनने की लिस्ट में आठवां नाम है दुष्यंत सिंह का। झालावाड़ बाराज सांसद सिंह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पुत्र हैं। लगातार चौथी बार रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। इकोनॉमिक्स के अच्छे जानकार सिंह का नाम पिछली बार भी मंत्री पद के लिए चला था, लेकिन उस समय उनकी मां वसुंधरा राजे सूबे की सीएम थी, लिहाजा उनका नंबर नहीं आ पाया। मोदी सरकार में मंत्री बनने की लिस्ट में नौवां नाम है किरोड़ी लाल मीणा का। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मीणा को बीजेपी में दोबारा लाने के लिए पहल की थी। राजस्थान में करीब 45 विधानसभा सीटों पर एसटी कैटेगरी के लोगों का दबदबा है। इसमें से करीब 29 विधानसभा क्षेत्रों में मीणा समाज नंबर वन पर है। किरोड़ी लाल के मंत्री बनने से कांग्रेस की राजनीति भी प्रभावित होगी। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट गुर्जर हैं। राजस्थान में गुर्जर और मीणा परंपरागत रूप से एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमआई न्यूज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।